हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज एक टूल मुझे बताना है आप लोगों के साथ, जो कि हशीकॉर्प कंपनी का है, जिसका नाम है पैकर। अच्छा, ये टूल बताने की वजह ये है कि जो भी आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो क्लाउड पे काम कर रहे हैं या वीएम मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको एक मसला आता है कि जब भी उन्हें स्नैपशॉट्स ईमेल क्रिएट करनी होती हैं बार बार, और या उनमें कोई मॉडिफिकेशन करनी होती है, तो उन्हें एक लंबा चौड़ा प्रोसेस और मैनुअल फॉलो करना पड़ता है और एक टाइम टेकिंग काम होता है। तो बेसिकली हशीकॉर्प पैकर एक टूल है ईएमआई क्रिएशन के लिए। ठीक है, ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें ये एक टेम्पलेट है हशीकॉर्प पैकर की स्क्रिप्ट का। इसमें बेसिकली होगा ये कि मेरी AWS क्लाउड के ऊपर एक मशीन है, जिसका मैंने एक ईमेल क्रिएट किया है। ठीक है, और इसमें बेसिकली एक नेक्स्ट डॉट HTML पेज चल रहा है एनजीएस का। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका एक न्यू ईमेल क्रिएट हो, पर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो। तो फिर तरीकेकार तो ये होगा कि मैं इस मशीन में जाऊं, सर्वर को SSH करूं, फिर देन उसमें जाके जो भी मुझे मॉडिफिकेशंस करनी है वो करूं, देन फिर मैं बाहर आके जो इसका यहाँ से सेलेक्ट करके और फिर ईमेल क्रिएट करूं। ठीक है, तो इस लंबे चौड़े प्रोसेस को फॉलो करने के बजाय मैं ये कर सकता हूँ कि हशीकॉर्प पैकर के थ्रू वन टाइम एक बॉयलर प्लेट तैयार करूँ और उसमें अपनी सोर्स ईमेल डिफाइन कर दूँ। देन उसके बाद जो है ओरिजिनल का यूज करते हुए इनलाइन के थ्रू मैं जो भी उसमें सर्वर में चाहे इंस्टॉलेशन या जो कुछ करना चाहता हूँ वो करूँ। ठीक है, वो कमांड लाइन यहाँ पे डिफाइन करूँ, देन इस स्क्रिप्ट को मैं एग्जीक्यूट करूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा कि ये जो बेस इमेज है उसको उठाएगा और देन उससे एक EC2 क्रिएट करेगा यहाँ पे, उससे अभी थोड़ी देर में आएगा। ठीक है, ये आगे। अच्छा, ये इसे क्रिएट करने के बाद सिर्फ EC2 नहीं, ये साथ ही साथ अपना ही की पेयर, जो सर्वर को एक्सेस करने के लिए कीज होती हैं प्राइवेट और पब्लिक की, और देन सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्रिएट करेगा टेम्परेरी तौर पर। ये यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि क्रिएटिंग टेम्परेरी की पेयर एंड क्रिएटिंग टेम्परेरी सिक्योरिटी ग्रुप। देन ये उसको ऑथराइज करेगा 422 से SSH करने के लिए। देन उसके बाद ये उस मशीन को एक्सेस करने के बाद जो मैंने इसको इनलाइन कमांड दी है कि तुमने ये करना है, तो वो इसमें जाके ये टास्क परफॉर्म करेगा। और ये परफॉर्म करने के बाद ये इसका एक न्यू AMI क्रिएट करेगा, जिसको मैंने बताया कि तुमने जिसका नाम रखना है क्रिएटिंग बाय पैकर। ठीक है, तो ये एक न्यू AMI क्रिएट करेगा मेरे AWS अकाउंट के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, और जो इसने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था और की पीआर और सिक्योरिटी ग्रुप जो क्रिएट किया था, उन सबको ये डिलीट कर देगा जो कि इसने टेम्परेरी किया था। तो उस न्यू AMI के अंदर वो तमाम मॉडिफिकेशन मौजूद होंगी जो मैं चाहता था या मैंने जो इससे बोला कि भाई मुझे ये चाहिए। अच्छा, मैंने इसको क्या बोला कि मैंने कहा कि भाई तुम जाओ वार WWHTML के अंदर एंजिनिस की जो इंडेक्स फाइल है उसके जाके अंदर ये कमांड एक लाइन ऐड कर दो। ठीक है, तो ये लाइन ये ऐड कर देगा, देन उसको ईमेल को सेव कर देगा। ठीक है, तो फिर हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, उस ईमेल से एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि आया कि हमने जो इसको काम बोला है इसने वो सक्सेसफुली किया है या नहीं किया है। ठीक है, ये AMI हमारी क्रिएट हो गई है, अभी पेंडिंग स्टेटस पर है। जैसे ये सक्सेसफुल होगा तो यहाँ ये हमें बता देगा और साथ ही साथ ये यहाँ से वो चीज़ें भी इसमें डिलीट कर दी होंगी जो इसने खुद से क्रिएट की। ये इसकी बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब वही प्रोसेस जो मुझे मैनुअली करना पड़ता, जो मैं खुद से क्रिएट करता फिर उसमें जाके मॉडिफिकेशन करता देन एक न्यू AMI बनाता, उसने सारा का सारा ऑटोमेट कर दिया खुद ब खुद। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे बस वन टाइम एक स्क्रिप्ट और टेम्पलेट तैयार करना पड़ा। देन उसके बाद पर जब मैं इस स्क्रिप्ट को कितनी बार भी यूज़ करूँ, जितनी बार भी, हर टाइम मुझे अगर कोई
अलग मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ और करना है तो मैं जस्ट यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। मैं चाहे इधर कोई न्यू पैकेज इंस्टॉल करवा सकता हूँ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, या जो मैं कुछ करना चाहूँ। मैं चाहूँ तो इसके साथ एनसीबल को यूज़ करते हुए और भी काम ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मिसाल है, ये बहुत काम की चीज़ है जब आप जाते हैं सी डी आर्किटेक्चर में, जब आपको सी एस डी पाइपलाइन की ज़रूरत होती है या फिर फर्दर दूसरी एम आई अपडेटेड एम आई को आपको क्रिएट करके अटैच करना होता है अपने ऑटो स्केलिंग के साथ, तो उसमें लॉन्च टेम्पलेट के साथ उसमें ये बहुत काम आती है। मतलब बहुत से मसलों का ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसने ये क्रिएट किया, डिलीट की चीज़ें, तो इसने एम आई क्रिएट कर दिया होगा सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे कोई इंस्टेंस नहीं है, जो इसने बनाया था वो डिलीट कर दिया है। इसने एम आई क्रिएट कर दिया है, क्रिएटिंग बाय पैकर। हम जल्दी से एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं इससे। सब कुछ वही रहता है कि पी आर, ये मेरा ही आ रहा है जो इसने क्रिएट किया था वो डिलीट कर दिया है कोड। और जाते हैं हम, यहाँ जाते हैं और पहुँच करते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं और इस मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस ओपन करेंगे। ओपन एड्रेस, तो देखें जो हम लाइन चाहते थे वो इसने ऐड कर दी है। पहले हालांकि एक इंडेक्स पेज पे इंजीनियर्स का बाय डिफॉल्ट पेज आ रहा था, लेकिन अब वो पेज आ रहा है जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टूल है, इसको स्टडी करें और इंजॉय करें।